रोमन रेंस बरसाएंगे लॉगन पॉल पर अपना कहर और आने वाले स्मैकडाउन में ब्लड लाइन करेगा लॉगन पॉल पर खतरनाक हमला। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूट्यूब के सेंसेशन लॉगन पॉल ने क्राउन जेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉगन पॉल ने रोमन रेंस के सामने बड़ी बड़ी बातें कर डाली और इसी बीच रोमन रेंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया जब लॉगन पॉल ट्राइबल चीफ के स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन के साथ बदतमीजी करने लगे। तब रोमन रेंस गुस्से में आकर पॉल लॉगन को धक्का दे दिया। क्लैश एट द कासल के बाद पहली बार ट्राइबल चीफ के आने वाली स्मैकडाउन के एपिसोड में रिटर्न होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ट्रिपल एच ने बीच में आकर पॉल लॉगन को ट्राइबल चीफ के कहर से तो बचा लिया, लेकिन अगले स्मैकडाउन में लेकिन द गेम लॉगन पॉल को ट्राइबल चीफ से बचाने के लिए मौजूद नहीं होंगे और आने वाले स्मैकडाउन में जब रोमन रेंस और पॉल लॉगन का आमना सामना होगा तो इस बार ट्राइबल चीफ अपने भाइयों के साथ मिलकर बहुत ही बुरा हाल करते हुए लॉगन पॉल की कुटाई करेंगे, क्योंकि ट्राइबल चीफ जब भी अपने अपोनेंट पर हमला करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और जानलेवा होता है, ठीक वैसा ही जैसा पहले ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकेंटायर के साथ देखने को मिला था। और अब लॉगन पॉल की बारी है ब्लड लाइन के हाथों मार खाने की। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।